Jürgen, keine echte Engel, Jürgen. Du hast Jürgen, du schwamm, Jürgen, der mich angenommen. Der mich eigentlich gerne von meiner Seite. Mein selber hat mir nur ein paar ये बढ़ती हुई महंगाई और स्मार्ट मीटर्स पर है जिसने जम्मू कश्मीर के आवाम को झंझोड़ के रखा है, परेशान करके रखा है, रात हमारी रातों की नींद हराम करके रखा है। आखिर हम भी वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, आखिर हम भी डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां पे लोगों के एहसास व जज्बात का ख्याल रखा जाता है, उसकी कदर की जाती है, मगर बार बार आदेश पे आदेश, हुक्मनामे पे हुक्मनामा हम पे थोपा जा रहा है जिससे जम्मू कश्मीर का आवाम बहुत परेशान है। अगर हम महंगाई की बात करें, महंगाई उरूज पर है, कारोबार ठप होकर रह गया, दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बेरोजगारी ने सभी हदें पार कर रखी है, इसलिए आवाम अब सड़कों पे आ रहे हैं क्योंकि सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अभी दांव पे लगा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप 10 पोस्ट निकालते हो, हज़ारों की तादाद में फार्म्स आते हैं, उसके बाद आपके स्कैम्स होते हैं, आखिर आगे चलकर यही बच्चे परेशानी में मुबतला होते हैं, ड्रग्स में मुबतला होते हैं और खराफात में मुबतला होते हैं। हमारे पास एक ही इंडस्ट्री थी, वो थी फ्रूट इंडस्ट्री। उस फ्रूट इंडस्ट्री को आपने तबाह व बर्बाद करके रखा है, उस इंडस्ट्री को आपने मिट्टी में मिला दिया है। आज हमारे फ्रूट ग्रोवर्स जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स जो सुसाइड करने पर मजबूर है, जो परेशान है, जो रो रहे हैं, मगर गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो पा रही है, वो भी एक अलमिया है उन पर, उन वेलविश जो अपने आप को वेलविशर्स कहते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को। दूसरा, अब इजाफा मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। अब स्मार्ट मीटर्स, मुझे आप खुदा रहा एक बात बताओ, जो 500 दिन में कमाने वाला इंसान क्या वो अपने आयल का खर्चा उठाए या बिजली फीस भरे, डॉक्टर का फीस भरे, बच्चों का ट्यूशन का फीस भरे, पानी का फीस भरे? अब कितने फीस भरेंगे इन 500 में? हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अब रहा क्या हमारे पास? जो था वो तो लूट लिया, जो हमारे पास जो हमारे रिसोर्स थे, जो वसाइल थे, वो तो हमें सक्सेसफुल जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थे उन्होंने वो बेच डाले। अब क्या रहा हुकूम के पास? अब गुर्बत के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। मगर अलमिया की बात यह है कि हमारे जो अहदेदारान है, जो कुर्सियों पे बैठे, जो कंपे ऑफिस में बैठे हैं, वो तो टस से मस नहीं हो पा रहे, वो तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक विचारधारा, एक रेवोल्यूशन है जिसने दिल्ली के आवाम को वो फैसिलिटी दी जो कांग्रेस हो या और कोई पार्टी जो रूल कर रही थी दिल्ली में, उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। अगर हम बिजली की बात करें, हमें अपनी बिजली होने के बावजूद भी बिजली फीस भरना पड़ रहा है। दिल्ली में अपनी बिजली नहीं है, पंजाब में अपनी बिजली नहीं है, फिर भी लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। यहाँ इलाज की बात करें, इलाज मुफ्त है, टेस्ट्स मुफ्त है, ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। इवन कि वहाँ पर जानवरों के लिए भी स्कीम्स है, मगर कश्मीर में यहाँ पे इंसानों के लिए भी यहाँ पे कोई स्कीम ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। इसलिए लोग अब चेंज चाहते हैं, अब बदलाव चाहते हैं। वो आम आदमी पार्टी इंशाल्लाह बरसर इक्तदार में आके जम्मू कश्मीर के आवाम के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करेंगे।